सो ट्रांसपोर्टेशन को क्लासिफाई करने के लिए समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है या जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो तरीके के हो सकते हैं, कि वो जो है विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो, कि उसको जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, या विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो, कि कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। इसको जो है हम सिंपल डिफ्यूजन का टर्म देते हैं, जिसमें कि जो ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन होता है वो होता है जी एन यू, मतलब गैसे सबसे ज्यादा, फिर एन, फिर यू, फिर सी, फिर आई, फिर डी, मतलब गैसे सबसे तेज, फिर नॉन पोलर, फिर अनचार्ज, फिर आपके चार्ज, फिर आयंस, फिर डीएनए आरएनए। ये बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है आपके लिए। ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, या विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं। अब विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो देयर इज अ टू पार्टिकुलर कंडीशंस। क्या हो सकता है कि विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो वो जो है चैनल मीडिएटेड है कि कैरियर मीडिएटेड है। अब वो चैनल मीडिएटेड हो सकता है या कैरियर मीडिएटेड हो सकता है। चैनल मीडिएटेड है तो देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट, कि वो जो है अलोंग द ग्रेडियंट है कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। अलोंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है वो कोई भी हो सकता है, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल, या कोई भी ग्रेडियंट, या अगेंस्ट हो। चैनल कभी भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम नहीं करता है, तो इसी वजह से जो चैनल है वो अलोंग द ग्रेडियंट होगा। अब अलोंग द ग्रेडियंट है तो सवाल यह आता है कि चैनल जो है वो गेटेड है या नॉन गेटेड है। गेटेड भी हो सकता है और नॉन गेटेड भी हो सकता है, मतलब उसमें गेट लगा है या नहीं। अब गेटेड है तो उसके तीन सवाल, कि क्या वो लिगेंड से ओपन हो रहा है, लिगेंड गेटेड है जिसको शॉर्ट टर्म में LGIC बोलते हैं, या वो वोल्टेज गेटेड है जिसको हम शॉर्ट टर्म में VGIC बोलते हैं, या वो जो है मैकेनिकल गेटेड है जैसे फॉस्फोराइलेशन वगैरह, मैकेनो गेटेड MGIC बोलते हैं। तो विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में चैनल हो सकता है जो ज्यादातर अलोंग द ग्रेडियंट है, इसी वजह से अगर अलोंग द ग्रेडियंट है तो वो पैसिव होगा, और पैसिव होगा तो कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी। कैरियर की बात करें तो कैरियर दो कैटेगरी में फॉल ऑफ कर सकते हैं, कि कैरियर जो है अब ये दो कंडीशंस में जाएंगे, कि नाउ ये अलोंग द ग्रेडियंट हो सकते हैं या अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो सकते हैं। अगर कैरियर जो अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं ये पैसिव होगा। इन दोनों कैटेगरी को अगर फॉलो करें तो अब ये इस कैटेगरी में जाएंगे, या तो ये वन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट, वन मॉलिक्यूल को करे एक डायरेक्शन में, या तो टू मॉलिक्यूल को करे ट्रांसपोर्ट। अगर वन मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में बोलते हैं तो ऐसे को बोलते हैं यूनिपोर्टर। अगर टू मॉलिक्यूल को करते हैं तो ऐसे को बोला जाता है को ट्रांसपोर्टर। अब ये को ट्रांसपोर्टर जो है यहां पे हो सकता है कि ये जो है वो सेम डायरेक्शन में करे या ऑपोजिट पे करे। ठीक है, सेम भी कर सकता है और ऑपोजिट भी कर सकता है। अगर सेम करता है तो उसको बोलते हैं सिम पोर्टर, और ऑपोजिट करता है तो एंटी पोर्टर बोला जाता है। अब ये जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट वाली कहानी हो रही थी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट में चाहे वो कोई भी हो, वन मॉलिक्यूल यूनिपोर्टर हो या तो सिम पोर्टर हो, एंटी पोर्टर हो, इनमें कहानी ये कंडीशन क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग को ज्यादातर बोलते हैं पैसिव और अगेंस्ट को बोलते हैं एक्टिव। अब जब भी यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है, एनर्जी जो है वो एटीपी एज अ सोर्स काम कर सकता है, या तो ग्रेडियंट एज अ एनर्जी काम कर सकता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है या तो आपके एटीपी डायरेक्टली दे रहा हो या तो ग्रेडियंट दे रहा हो।
अगर एटीपी है तो वो प्राइमरी है, और कोई ग्रेडियंट है तो वो आपका सेकेंडरी है, और कोई ग्रेडियंट है तो वो कौन सा ग्रेडियंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। तो कुछ इस तरीके से कहानी है, जरा समझे। ट्रांसपोर्टेशन जो है विद और विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। विदाउट है तो सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें जीएनयू सीआईडी वाला कॉन्सेप्ट है, विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो चैनल है या तो कैरियर है। चैनल है तो अलोंग द ग्रेडियंट मोस्टली होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जनरली नहीं होता है। अलोंग द ग्रेडियंट है तो पैसिव है। अब चैनल गेटेड है कि नॉन गेटेड है, अब गेटेड है तो किससे गेटेड है, लिगेंड से तो एलजीआईसी, वोल्टेज है तो वीजीआईसी, मैकेनिकल है तो एमजीआईसी। विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अगर कैरियर है तो अलोंग द ग्रेडियंट है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो एक्टिव, अलोंग द ग्रेडियंट है तो पैसिव। एक्टिव है तो उसके लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, एनर्जी जो है एटीपी से आती है तो प्राइमरी एक्टिव, और अगर ग्रेडियंट से आती है तो सेकेंडरी एक्टिव। अब वो ग्रेडियंट से आ रही है तो कौन से ग्रेडियंट से आ रही है, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इनसे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बना। अब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, वो एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे या दो मॉलिक्यूल को, अगर एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो यूनिपोर्टर, अगर दो को कर रहा है तो को ट्रांसपोर्टर, दोनों को सेम डायरेक्शन में कर रहा है तो सिम ट्रांसपोर्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो एंटी ट्रांसपोर्टर। ये है बेसिक तौर पे जो है ट्रांसपोर्टेशन के आपके, ठीक है।